नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में गर्मा गर्मी बढ़ रही। अखिलेश यादव के साइकिल से नाता तोड़ने के बाद ओम प्रकाश राजभर को लेकर तरह तरह की कल्पना की जा रही। इसी बीच पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर की मुलाकात के कई सियासी मामले निकल कर आ रहे हैं। दरअसल वाराणसी के सर्किट हाउस में दोनों नेताओं ने 25 मिनट तक बंद कमरे में चर्चा की। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले इस मुलाकात के क्या मायने हैं, आपको समझाते हैं। दरअसल ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर की शादी में कई दिग्गज बीजेपी नेताओं की शिरकत की गई, ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा तेज होने लगी कि भाजपा और सुभाषपा के बीच बात बन सकती है। अरुण की शादी में राजभर ने सीएम योगी को भी आमंत्रण दिया था, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के चलते वह शादी में नहीं आ पाए। योगी के प्रतिनिधि के रूप में सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी पहुंचे और मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई संदेश दिया। गुरुवार की रात जब योगी वाराणसी पहुंचे तो सर्किट हाउस में ओपी राजभर उनके बेटे अरुण राजभर ने योगी से मुलाकात की। इसी के बाद से ही सियासी खिचड़ी पकने लगी। इसी बीच जब ओम प्रकाश राजभर वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे, उनसे मीडिया कर्मियों ने जब सवाल पूछा, जिस पर उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री से मिलना, रात के करीब 1 बज रहे थे और बंद कमरे में 25 मिनट तक मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात में क्या बात हुई, इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मगर जब पत्रकारों से राजभर का सामना हुआ तो वो सवालों से बचते नजर आए। तो क्या अब मान लिया जाए कि ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए बने रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट के साथ।